हाल ही के दिनों में जितने भी प्रयास कंज्यूमर्स के लिए आर की तरफ से हुए हैं उनमें ये सबसे बेस्ट है कंज्यूमर्स के लिए ये बेस्ट चीज़ की है आर ने ये पॉलिसी की सबसे बड़ी हाईलाइट है अगर आप लोन लेने जाते तो एक्चुअल बैंक कितना कमा रहा है आपको कभी पता ही नहीं चल सकता क्योंकि तो आपकी कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती है कि उनको कितना रिटर्न छूट रहा है सारे चार्जेस वगैरह मिला के और होता क्या है जितने भी प्रोसेसिंग चार्जेस डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और अलग अलग तरह के जो भी चार्जेस लेते हैं वो ऑफ फ्रंट लेते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है राइट right? कस्टमर को लगता है चलो ठीक है यार ये लोन लेने के लिए तो खर्चे करने ही पड़ेंगे सो so, अब अगर आप उन सबको मिलाकर इंटरेस्ट रेट देते तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है सारे बैंकों के जो भी लोन की रेट्स है वो आपके लिए कंपेयर करना आसान है पहली चीज सबसे बड़ी चीज तो आपको पता है कौन सस्ता दे रहा है लोन कौन महंगा दे रहा है दूसरी चीज अब बैंक अलग से कुछ भी पैसा ले नहीं पाएंगे तो कंज्यूमर को पता है कि मुझे कितना देना है अब इसमें बड़ी चीज क्या है आ, छः परसेंट के आसपास की इनकम इनकी कम हो जाएगी जो अदर इनकम होती है बैंक्स के लिए और करीब करीबन ये समझ लीजिए कि प्राइवेट बैंक्स के और ये इसमें नुकसान ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स का होगा सरकारी बैंक जो है वो आमतौर पर इतनी लूटमार नहीं करते हैं ये लूटमार प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा होती है तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में इसका जो असर है वो इनकी कमाई पर करीबन करीबन तीन परसेंट के आसपास का पड़ता हुआ दिखेगा एक वो ऑन द बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन में कर रहा हूँ तो ये मुझे लगता है कि ये होता हुआ दिखेगा तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये बैंक्स के लिए और स्पेशली प्राइवेट बैंक्स के लिए अच्छी खबर नहीं है वैसे भी प्राइवेट बैंक्स आजकल थोड़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं डिपॉजिट उन्हें सस्ते मिल नहीं रहे हैं और उसकी लिक्विडिटी की समस्या थोड़ी बहुत है ही उसके ऊपर आर की तरफ से ये एक्शन जो है ना ये प्राइवेट बैंक्स पर भारी पड़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं नो डाउट ये तो भारी तो सरकारी बैंकों पर भी पड़ेगा लेकिन सरकारी बैंक्स के लिए कम है प्राइवेट बैंक के लिए ज़्यादा नुकसान की बात है तो मुझे लगता है थोड़ा सा बैंकस और बैंकिंग शेयरों पर बैंक निफ्टी पर इसके चलते हल्का दबाव रह सकता है क्योंकि आज इस पॉलिसी में ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला जिससे कि बैंक निफ्टी एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर दे दे एक्सेप्ट कि चलो बैंक निफ्टी हल्का है पोजीशन कम है लेकिन बैंक निफ्टी लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है इस पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी के लिए कोई समस्याएँ दूर नहीं हो रही बैंकिंग शेयरों के लिए लिक्विडिटी ज़्यादा होती तो उन्हें मजा आता ये चार्जेस की इनकम और कम होती हुई दिख रही तो आई थिंक बैंक्स के लिए आज से पॉलिसी आज नेगेटिव आई है थोड़ी सी बैंक्स के लिहाज से तो अनिल जी इम्पैक्ट हुआ है थोड़ा फॉलो ऑन इम्पैक्ट भी हो सकता है सर एक बार जो बाजार ने पचाना था इसको लेकर पचा लिया इस खबर का इम्पैक्ट जो लेना था एक बार के लिए ले लिया कैसा आ, आपका व्यू बनता है सर दीप खबर का तो इम्पैक्ट हो गया खबर के हिसाब से तो एक, एक्चुअली इस खबर के हिसाब से तो शायद इतना भी नहीं घटना चाहिए लेकिन चूंकि कमजोर है बैंक निफ्टी किसी को खरीदना है नहीं आप खुद देखिए हम दो हफ्तर से तो लगातार यही बात करेंगे भाई दूर रही है अभी कोई इस पर क्लियर कट व्यू नहीं बन रहा है कोई खास ऐसी वजह है नहीं कि आप बैंक निफ्टी को आज का आज जाकर कूद कर, कर खरीदें सो ऐसे में वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में काफी कुछ हद तक आ चुका है अब क्या है बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो समझिए जनवरी महीने का लो 24 जनवरी के आसपास जो हमने लोज बनाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है दीप और वो थे चौवालीस हज़ार चार सौ पच्चीस का लो जो हमने चौबीस जनवरी को बनाया चौबीस जनवरी पच्चीस जनवरी के आसपास पच्चीस जनवरी को था चौवाली चौवालीस हजार चार सौ उनतीस और क्लोजिंग बेसिस पे जो हमारा लो था वो पच्चीस जनवरी को था चौवालीस हजार आठ सौ छियासठ कल करीबन करीबन उसी लेवल के आसपास से घुमे कल का लो था चौवालीस हजार आठ सौ तिरानवे मैं राउंड फिगर में आपको कर दूँ नीचे में चौवालीस चार सौ है और ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे चौवालीस आठ सौ पचास तो ये दो लेवल अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज आपको चौवालीस आठ सौ पचास के नीचे नहीं बंद होना चाहिए अगर उसके नीचे बंद होते हैं तो आप जनवरी महीने के लोज के नीचे बंद हो रहे हैं नीचे की रिस्क खुलती है इंट्राडे में चौवालीस चार सौ के नीचे नहीं जाना चाहिए लेकिन कोई साइजेबल रिकवरी आए गिरना कम है या नहीं वही डिसाइड करना है बड़ी रिकवरी अभी दिखती नहीं है अच्छी बात एक ही है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों वीकली एक्सपायरी के बाद आज हल्के हैं पोजिशन कम है स्पेशली लॉन्ग साइड पर सो so, वो एक र, र, रिलीफ वाली बात है बट अदरवाइज बैंक निफ्टी के लिए फंडामेंटली आप देखेंगे जो कुछ आरबीआई ने कहा उससे आ गया रिएक्शन आ गया क्या बढ़ेगा जवाब ना है घटेगा तो बेसिकली क्या है चवालीस पांच सौ पैंतालीस सौ ये रेंज है जो अब बैंक निफ्टी को थोड़ा सा टाइम पास करना है ऐसा लगता है जी चाहे अब थोड़ा टाइम पास करने की तैयारी आपको बैंक निफ्टी करते हुए देख सकता है, देखते हैं आ, चाल कैसी रहेगी अफको थोड़ी देर में एल जी पूरी स्ट्रैटेजी और लेवल्स भी बताएंगे